I seriously want him to be in the show as soon as possible. मैं तो उसके एपिसोड बार-बार रिवाइंड करके रिपीट करके देखते ही रहता हूं. तो obviously we miss Chandu Chaiwala. Hello friends, मैं हूं पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं Bollywood Spy. कपिल शर्मा के शो में चंदन का किरदार यानी कि चंदू चायवाला का किरदार तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ रीज़न के कारण वो इस शो में कुछ समय तक नहीं दिखने वाले हैं. तो चलिए ऑडियंस से पूछते हैं, पब्लिक से जानते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है इसको लेकर. कपिल शर्मा शो को कितना फॉलो करते हैं आप और कितना पसंद है? कपिल शर्मा का शो बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ मैं. आई थिंक सबसे अच्छा शो है मेरे हिसाब से, तो आई रियली लाइक इट एंड बहुत अच्छा शो है. मैं तो मतलब जब भी घर पर होता हूँ, वेन एवर आई गेट टाइम या फिर कभी कभी टाइम निकाल के भी शूट पे भी आई मेक श्योर कि मैं देखूँ जितना भी पॉसिबल हो पाए. चंदन का कैरेक्टर आपको पता होगा जो चंदू चाय वाला शो के अंदर बन, अगर उनके कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो वो कितना इन्फ्लुएंस करता है आपको और कितना पसंद है वो आपको? देखिए मुझे लगता है कि उनके बिना ये शो अधूरा है, क्योंकि देखिए शुरू से जब हमने चैनल स्टार्ट किया देखना कपिल शर्मा शो, तो सुनील ग्रोवर जी, कपिल शर्मा जी और ये चंदन जी, इनका पूरा एक टीम था जिसकी वजह से पूरा एक मज़ा आता था देखने में. तो अभी मतलब अगर वो नहीं रहेंगे शो में तो मुझे लगता नहीं इतना मज़ा आएगा, बट आई होप कि वो रहें क्योंकि मैं उनको देखना बहुत पसंद करता हूँ. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि चैनल्स को लगता है कि वो ऑडियंस पे को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं और इतना अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए वो शो में नहीं दिखने वाले, तो इस बात से कितने सहमत है और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैं एज एन ऑडियंस तो ये बोलूँगा कि वो जैसे कपिल जी शो की जान है, वो भी एक जान है शो की, तो अगर वो नहीं देखेंगे कहीं ना कहीं ऑडियंस को बुरा तो लगेगा, क्योंकि हमें आदत है एक पूरी फैमिली को देखने की, फैमिली का कोई मेंबर कम होता है थोड़ा सा क्रेज़ कम हो जाता है. तो आई वांट कि उनका वो ना जाएं और वो रहें शो में और हम देखते रहें उन्हें और इन्जॉय करते रहें, मैं तो ये चाहूँगा. कपिल शर्मा शो तो मैं अगर टीवी में रिचार्ज नहीं होता है तो मैं यूट्यूब पर हर सब एपिसोड देख ही लेता हूँ ज़्यादातर. इतना पसंद है आप? इतना पसंद है. अच्छा ये चंदन का कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा, चंदू चायवाला करके बहुत फेमस हुए थे वो, तो उनके कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और वो उसको कितना पसंद करते हैं? चंदन आई थिंक वो भी एक कपिल शर्मा शो के एक हिस्सा है और बहुत इम्पोर्टेंट एक है, और उनके बगैर तो शो में तो मज़ा आता नहीं है. अब देखता हूँ अगर बाय चांस वो निकल जाते हैं शो से तो शो में कितनी रौनक रहती है, कितना अच्छा लगता है. अब वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा उनके बगैर कैसा लगता है. देखिए अगर वो निकल भी जाते हैं शो से तो मुझे लगता है शो में ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा ख़ास नहीं लगेगा मुझे. हाँ ज़्यादा ख़ास नहीं लगेगा क्योंकि वो भी एक अच्छा एक्टर हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं चाय वाला, और अब उनके बगैर शो में देखता हूँ कि कैसा लगता है जब कुछ बता पाऊँगा. अच्छा उनको कितना मिस करने वाले हैं आप शो में और क्या मैसेज देना चाहेंगे कपिल शर्मा के लिए और उनके लिए चंदन के लिए? हाँ काफ़ी मिस करूँगा मैं तो उन्हें, क्योंकि उन्हें मैंने जब भी देखा है, वो भी एक कॉमेडियन है, वो भी हंसाते हैं, और कपिल शर्मा शो में वो भी एक पार्ट है एक, और मैं उन्हें मतलब हाई रेट देता हूँ क्योंकि इंसान जो उन्हें कैरेक्टर मिला है अपना चाय वाला, वो अपने उसी कैरेक्टर में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि मज़ा आ जाता है पूरी ऑडियंस को. ओ माय गॉड कपिल शर्मा हर घर घर में मशहूर है, तो ऑब्वियसली मैं भी बहुत फॉलो करती हूँ बिकॉज पर्सनली मुझे भी कपिल शर्मा बहुत अच्छे लगते हैं. अगर चंदन की बात करूं कि चंदन का किरदार था चंदू चाय वाला, तो वो चाय वाले के किरदार को कितना पसंद करते हैं आप और कितना अच्छा इन्फ्लुएंस करता है वो? ओ माय गॉड आपने चाय की बात कर ली, लिटरली नो चाय जान है मेरी, और चंदू चाय वाला कपिल शर्मा के शो में चंदू का किरदार कुछ ऐसा था ना कि वो शो में भले ही थोड़े वक्त के लिए आता था बट वो पूरा माहौल सेट कर देता था, मतलब यू नो लोगों को हंसा के जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था सारे ऑडियंस को. रिसेंटली एक इंटरव्यू में चंदन ने कहा है कि चैनल्स को ऐसा लगता है कि जो उनका किरदार है वो ऑडियंस के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, तो इस बारे में आपका क्या कहना है और क्या लगता है आप कि कितनी सही बात है ये? यार ये देखो जिसका भी किरदार है आप जो काम करो आप अपने तरीके से करो, मैं जो काम करती हूँ अपने तरीके से करती हूँ, और सबका अपनी अपनी जगह पर वो सही होते. चंदन का जो किरदार था अभी वो बहुत मिसिंग है कपिल शर्मा शो में, जैसे कि मैंने पहले बोला कि थोड़े समय के रहते थे बट वो अपनी छाप छोड़ जाते थे, तो अभी भी उनकी वो छाप बन वैसी बनी हुई, और वो जो उनका जो जगह है ना वो कोई और नहीं ले सकता है, तो ऑब्वियसली वे मिस चंदू चायवाला. क्या लगता है आपको कितनी जल्दी वापसी करने वाले हैं और क्या 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 कुछ दिमाग में है, क्या बोलना चाहिए? ऑब्वियसली जब उन्हें लोग इतना मिस करते हैं
तो हर कोई ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि यार वो आ जाए बिकॉज बोलते ना कि एक शो अकेले इंसान से नहीं चलता है, तो वो जब भी आते थे तो फिर लोग लिटरली हंसते थे यार उनकी एक्टिंग और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था, जिस तरह से वो लोगों को खुद को प्रेजेंट करते थे वो बहुत अच्छा था, तो लोग उन्हें बहुत मिस करते हैं। आई रियली विश कि वो जल्द से जल्द आ जाए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत पसंद है और बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत फॉलो, हाँ, हर वक्त फॉलो करते हैं, हर वक्त एक भी एपिसोड मिस नहीं करता मैं। नहीं। अच्छा, अगर चंदन की बात की जाए तो चंदू चाय वाला, हाँ, तो उसका अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो वो आपको कितना पसंद है और कितना आपको इन्फ्लुएंस करता है वो कैरेक्टर? हर एक तरह से यार कपिल के बराबर ही है वो भी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री यार वो नहीं होगा तो शो नहीं अच्छा लगता, होगा तो ये है चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो अच्छी लगती हैं। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि चैनल को ऐसा लगता है कि जो उनका किरदार है वो ऑडियंस पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो कुछ हफ्ते कुछ दिनों तक वो एपिसोड में नहीं नज़र आने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है और क्या चाहते हैं आपकी कितनी जल्दी उनकी वापसी हो? नहीं देखो, ऑडियंस हम ही लोग हैं, हम ही लोग बताते हैं कि चाहिए कि नहीं। मेरा मानना तो ये है कि उन्हें आना चाहिए शो में, ज़रूर आना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है उनका किरदार हमें। क्या मैसेज है उनके लिए, चंदन के लिए, और क्या कुछ बताना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे कपिल शर्मा के लिए? यही मैसेज है कि जल्दी से जल्दी चंदन को वापस लेके आए शो में, हम वेट कर रहे हैं उनके लिए। आई थिंक कपिल के शो की वजह से ही हम लोग खुश रह पाते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई यूज़ टू सी इट विद माई फैमिली ऑल्सो। सो चंदन का किरदार, जो चंदू चायवाला का किरदार वो निभाते हैं, तो अगर उनकी बात की जाए तो वो किरदार कितना इन्फ्लुएंस करता है आपको और कितना पसंद है? अरे मुझे तो पूरा, देखो पूरा टीम वर्क रहता है ना, तो ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो ए मेन कैरेक्टर इन द टीम ना, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी चल रही है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था चंदन ने कि चैनल को लगता है कि वो अपने किरदार को इतने अच्छे तरीके से ऑडियंस के सामने इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, तो इसके बारे में क्या कहना और आप क्या कहना चाहेंगे चंदन के लिए? देखो अब अगर चैनल को ऐसा लगता है तो कोई तो रीज़न रहेगा, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, बिकॉज ही इज़ ए जेन्युइन कैरेक्टर इन द एपिसोड इटसेल्फ ना, इन द शो सॉरी, तो आई थिंक ही शुड बी इन द शो। मुझे नहीं लगता कि चैनल उनको बाहर निकालेगा, ही इज़ ए ग्रेट आर्टिस्ट एंड ए जेन्युइन पर्सन। कितना जल्दी आप चाहते हैं कि जो चंदन है वो वापसी कर ले कपिल शर्मा शो में? एज सून एज पॉसिबल सीरियसली, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई सीरियसली वॉन्ट हिम टू बी इन द शो एज सून एज पॉसिबल। And I feel कि there is no vulgarity in the show, तो उनके character में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे reason समझ नहीं आया कि channel को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नहीं होने चाहिए, but अगर channel को लग रहा है तो there might be some reason, I think there might be some rumor as well, it will get cleared soon। हाँ, कपिल शर्मा का शो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इवन उस शो में ये रहता है कि वो हंसने के लिए काफ़ी ज़्यादा रहता है, और बहुत सारे मैंने न्यूज़ भी देखे हैं, मतलब इस पर ये रहता है, लोग बोलते हैं कि हम कपिल शर्मा शो देखते हैं तो उनको कुछ ऐसा बीमारी हुई तो वो उसमें वो सही हो जाते हैं। सो हर चीज़ का रहता है, लेकिन कपिल शर्मा शो काफ़ी अच्छा है और उसमें इंटरेस्टिंग यही है। वैसे तो सबके अपने अपने कैरेक्टर है उस शो के अंदर जो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं चंदू चायवाला की बात करूँ तो वो कैरेक्टर आपको कितना पसंद है और क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? हाँ, चंदू चायवाला का काफ़ी अच्छा है उसमें कैरेक्टर, वो उन कपिल इवन शो में कितना उसको बोल देता है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो अपने दिल पर भी ऐसा कुछ लेता होगा, या और उसके उन दोनों का नोकझोंक तो हमेशा अक्सर से रहता है, लेकिन ये है कि उसका उस चीज़ का कभी नहीं, और उसका इंटरेस्टिंग है उसमें। रिसेंटली उन्होंने चंदन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो चैनल है वो उनको लग रहा है कि वो इनका जो कैरेक्टर है चंदू वाला वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है ऑडियंस के ऊपर, इतना पसंद नहीं कर रहा है ऑडियंस उसके कैरेक्टर को, तो इसके बारे में क्या कहना और क्या कितना सच लगता है, कितना सच्चाई लगती है इस बात में? नहीं, चंदू चाय वाला को अगर फर्स्ट में आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं, उसमें भी इन्फ्लुएंस उसको मिल रहा था, और इवन सेकेंड में भी आना चाहिए, ऐसा किसी का उसका ऐसा तो नहीं कि वो बेवजह आ रहा था, वो कुछ लोग उसके किरदार को पसंद करते थे इस वजह से। अब ऐसा शो हम लोग बहुत सारे शोज ऐसे देखते हैं कि अगर हमें किरदार को नहीं समझ में आ रहा तो हम डायरेक्टली उसे ये वो हो जाता है, कुछ दिन बाद वो नहीं दिखाई देता, लेकिन इसके सीज़न में इतना पूरा वो दिखाई दे तो सेकंड सीज़न में ऐसा कुछ है, और उसका किरदार तो ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कितना मिस करने वाले हैं आप और क्या लगता है आपको, वो जल्दी से उनका कमबैक होने वाला है शो के अंदर? हाँ, ऑफकोर्स जरूर से कमबैक होने वाला है उसका जल्दी से ही। मैं तो उसके एपिसोड बार बार रिवाइंड करके रिपीट करके देखते ही रहता हूँ। इतना पसंद है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस शो में चंदन का कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा, चंदू चाय वाला जो बनता था, तो वो कैरेक्टर को आप कितना पसंद करते हैं? वो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, चंदू चाय वाला जो है कपिल शर्मा का शो का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर वो ना हो ना तो उसमें मज़ा ही नहीं आएगा।
शो देखने का अच्छा ही नहीं लगा शो? रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो कुछ दिनों तक अब नहीं दिखने वाले हैं शो में, क्योंकि अभी चैनल का ये मानना है कि उनका जो भी उनका किरदार है शो के अंदर वो इतना पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है और क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि हमेशा इंसान एक जैसा रहे, कभी कभी बदलाव आता है कुछ ना कुछ, पर वो बेस्ट है और उसको रहना चाहिए, क्योंकि कपिल शर्मा की शो की TRP बढ़ाने में उसका सबसे ज़्यादा हाथ है शो को आगे ले जाने के लिए, और कपिल शर्मा का शो तो हमेशा ही बेस्ट है, उसको कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है। तो कुछ टाइम तक अब चंदन नहीं दिखने वाले हैं, तो चंदन के लिए क्या मैसेज रहेगा और कपिल शर्मा शो के लिए क्या मैसेज रहेगा? चंदन के लिए तो एक ही मैसेज रहेगा कि जो भी काम जिस वजह से भी आप गए हो, जल्दी से जल्दी करके जो भी काम है वापस आइए, और कपिल शर्मा शो के लिए ऑल द बेस्ट है, उनको तो हमेशा ही वो TRP तो उनके नंबर वन रहनी है। मतलब कभी भी घर पे जाओ फिर देखते रहो, मतलब थोड़ा टाइम मिला बस में ट्रैवलिंग करें तो कपिल शर्मा शो अच्छा लगता है मुझे शो। उसमें चंदन का एक किरदार था चंदू चाय वाला करके, वो अगर उस किरदार के बारे में मैं बात करूँ तो वो आपको कितना पसंद आया है? वो किरदार चंदू का किरदार मुझे बहुत पसंद आया, वो क्या कभी चाय का काम करते रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है, बट अभी नहीं आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा जल्दी आ जाए। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि चैनल वालों को ऐसा लगता है कि वो जो उनका जो किरदार है वो इतना अच्छे से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है ऑडियंस के ऊपर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या कितनी सच्चाई लगती है इस बात में कि वो इन्फ्लुएंस करता है ऑडियंस के ऊपर कि नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इन्फ्लुएंस तो नहीं है, पर काम तो अच्छा करते हैं, काम बेटर उनका, मैं चाहता हूँ वो दोबारा आए शो में और अच्छा मतलब काम करे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि फैंस चंदन के किरदार को कितना पसंद करते हैं, चंदन का जो किरदार है चंदू चाय वाला उसको काफ़ी पसंद करते हैं फैंस। आप क्या कहना चाहेंगे चंदन के किरदार के बारे में, आप कितना जल्दी चाहते हैं कि चंदन वापसी करे, ये हमें ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। कट। वीडियो जर्नलिस्ट तुषार के साथ पूजा मिश्रा, बॉलीवुड स्पाई।